नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में घर में रहें सुरक्षित रहें के संदेश के साथ शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। कलेक्टर रानू साहू और एसपी भोजराम पटेल के नेतृत्व में प्रशासन व पुलिस के अधिकारी हुए शामिल। कोरोना वायरस संक्रमण के बने मौजूदा हालातों में कोरबा शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए घर में रहें सुरक्षित रहें के संदेश के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। शाम को कलेक्टर रानू साहू एवं एसपी भोजराम पटेल के नेतृत्व में कोरबा शहर में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के प्रति आमजनों को जागरूक करने के लिए विशेष फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने का संदेश दिया गया। यह फ्लैग मार्च एसपी कार्यालय से शुरू हुआ। कोसाबाड़ी चौक से होते हुए सुभाष चौक, घंटाघर, महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी, मुड़ापार, टीपी नगर, रेलवे क्रॉसिंग से सोनालिया चौक होते हुए पुराना कोरबा, पुराना बस स्टैंड सीतामढ़ी से वापस टीपी नगर चौक, सीएसबी चौक, बुधवारी आईटीआई चौक से सिविल लाइन, डिंगापुर तहसील कार्यालय से वापस कलेक्ट्रेट तक फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान घरों की छतों और बालकनियों से लोग फ्लैग मार्च के फोटो व वीडियो अपने मोबाइल फोनों में बनाते दिखे। फ्लैग मार्च में शामिल वाहनों से माइक सिस्टम द्वारा लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की जाती रही। जिले में कोविड के केस लगातार पिछले 5 दिनों से बढ़ रहे हैं और उसको लेके जिला प्रशासन सक्रिय है आम जनता में जागरूकता करने के लिए और आम जनता को अवेयर करने के लिए। आज एक फ्लैग मार्च निकाला गया है और अब जो है नियमित रूप से फ्लैग मार्च पुलिस के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। और इसके अलावा निगम एवं पुलिस को भी निर्देशित किया है कि जो मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं उन पर जो है शुल्क की कार्यवाही आरंभ की जाए। जिला प्रशासन के द्वारा जो कोविड की पुरानी टीम थी विभिन्न प्रकार की 15 टीम बनाई हुई थी, उन टीम को एक्टिवेट किया गया है और इसमें सबसे मुख्य रूप से जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है, सैम्पलिंग लेना है और जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन कॉन्टैक्ट को जो है होम आइसोलेट करके उन पर निरीक्षण और निगरानी रखना है। मेडिकल की टीम है, ये सभी टीम को हमने जो है एक्टिवेट किया है। इसके अलावा जो हमारे उपकरण हैं, कहाँ कहाँ उपकरण की अवेलेबिलिटी है, बेड की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, इसको भी जो है हमने सुनिश्चित किया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने कोरबा में एक और कटघोरा में 4 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। रामपुर वार्ड में आने वाले बालाजी नगर के ओम फ्लैट्स को प्रशासन ने सील कर दिया है। यहां 9 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें से एक परिवार की सदस्य डॉक्टर बताई जा रही है। हाल में ही तबीयत बिगड़ने के साथ संबंधित लोगों ने अपना परीक्षण कराया। रिपोर्ट आने के बाद चिंता बढ़ गई है। सतर्कता बरतते हुए प्रशासन ने ओम फ्लैट्स को फौरी तौर पर सील कर दिया है। इस हिस्से को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। सभी की कोरोना जांच की जा रही है। इसी तरह कटघोरा शहरी क्षेत्र में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 और 14 में 6 से अधिक लोग कोविड पॉजिटिव मिले हैं। इस आधार पर संबंधित हिस्से को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कटघोरा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रुद्रपाल सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में अलग अलग घर से लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी शिकायत की थी, जांच में उन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया है। संबंधितों को परामर्श देने के साथ दवाइयां उपलब्ध कराई गई। निश्चित समय तक के लिए लोगों के लिए कोविड 19 प्रोटोकॉल का परिपालन अनिवार्य किया गया ताकि इसे बढ़ने से रोका जा सके। कोरोना की पहली लहर में कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की स्थिति में संबंधित बड़े हिस्से को सील करने की कार्रवाई की जा रही थी। समय बीतने के साथ वायरस की मारक क्षमता कम होने पर नियम बदले गए और कंटेनमेंट जोन के लिए 500 मीटर का दायरा तय किया गया। बाद में इसे और कम कर दिया गया। हालिया स्थिति में कोविड पॉजिटिव केस 1 से अधिक मिलने पर कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। इसके लिए केवल उसी हिस्से को प्रतिबंधित किया जा रहा है जहां से मरीजों की पहचान हुई है। यहां जो है ओम स्टेट में अचानक 9 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए, ऐसा बता रहे हैं कि बर्थडे पार्टी वगैरह हुआ तो उसके बाद से हुआ है। तो हम लोग इसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लेकर सब चीज़ कर रहे हैं और सैम्पलिंग की टीम आई हुई है। ओम स्टेट से सभी को सैम्पलिंग ले रहे हैं और ये ओम स्टेट को भी प्रतिबंधित कर रहे हैं। आपस में अपना अंदर में ही रहेंगे, सभी अपने अपने जगह में। अभी कोविड 19 बहुत स्पीड से फैल रहा है, इसके तहत एहतियातन हम लोगों को बंद करने को।
कलेक्टर मैडम द्वारा बोला गया कि इसको रिफंड करिए, उसके बाद फिर जो बाकी उनका राशन वासन जो व्यवस्था है उनको करवाएंगे। अलग अलग दो चार लोग ऐसे करके जो बर्थडे पार्टी में उनके ऊपर सभी मिले हैं, तो उसका अभी सैम्पलिंग करेंगे तो और आगे की स्थिति स्पष्ट। होम आइसोलेशन में लोग अपने अपने रहेंगे, साथ में सैम्पलिंग भी होगा सभी का, और किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं तैनात होगी इस सब की। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के एसीसीएल मुड़ापार हेलीपैड में बेजा कब्जाधारियों ने पार्षद और महिला कमांडो से की हुज्जतबाजी। प्रशासन से शिकायत के बाद भी संज्ञान नहीं लेने से गुस्साए लोग उतरे विरोध में, अतिक्रमण करने लगाए गए। घेरे को हटाने के दौरान हुई घटना। मुड़ापार हेलीपैड के पास नर्सरी के हरे भरे पेड़ों को काटकर बेजा कब्जा किया जा रहा है। शिकायतों के बाद भी संज्ञान नहीं लेने से गुस्साए वार्डवासी इसके विरोध में उतर आए। उन्होंने अतिक्रमण करने लगाए गए घेरे को हटाया तो पार्षद महिला कमांडो और वार्डवासियों से हुज्जतबाजी की गई। वार्ड पार्षद शरण सिंह ने बताया कि बेजा कब्जाधारियों द्वारा उनके महिला कमांडो और वार्डवासियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। गाली गलौज की शिकायत मानिकपुर चौकी में की है। इधर पेड़ों को बचाने सामने आए युवाओं ने पेड़ पर सेव मी का पोस्टर भी लगाया है। अब देखना होगा कि ऑक्सीजन को बचाने प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हम लोगों ने एसीसीएल के पूरे कॉलोनी वाले सुभाष ब्लॉक के लगभग पूरे कॉलोनी के लोग, जिसमें हमारी महिला कमांडो कुछ टास्क्रम से लोग आए हैं और सम्माननीय महिला जन भी हमारे पास उपस्थित हुई हैं, और उनका कहना था कि जब जिला प्रशासन सुन नहीं रहा तो हमारे द्वारा ही बेचा कब्जा हटाया जाएगा, जिसका प्रयास हमने पेड़ों में मुझे बचाओ और सेव मी करके हमने पॉम्पलेट भी चिपकाया है, और साथ में इस तरफ का जितना जिसको पेड़ से बंधन मुक्त किया गया है, और इधर कुछ जो अभी जो स्टार्टिंग में बन रहे थे उसको हमारे तरफ जब हटाने के प्रयास किया गया तो हमारी महिला कमांडो को यहाँ की महिलाओं ने मारने का प्रयास किया और उन्हें बलपूर्वक उठाने का प्रयास किया गया। सब इनके पास अगर इनकी जांच करवाई जाए तो सबके पास घर मिलेगा और सबके पास घर है। इसको करीब पिछले 3-4 महीने से लगातार पत्राचार कर रहा हूँ, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे अनुविभागीय अधिकारी हो, चाहे नगर प्रशासन नगर निगम को हो, सबको लगभग एसीसीएल मुख्य महाप्रबंधक को भी दिया हूं मैं। उसके बाद हमारी अगली रणनीति का भी हम लोग तो हेलीपैड को कब्जा करेंगे, और कल तक अगर हम जिला प्रशासन को समय देते हैं, कल तक अगर इनको नहीं हटाया गया तो परसों हम इस हेलीपैड को आगे कब्जा करेंगे। सीएम साहब को भी इस बात को संज्ञान में लाएंगे कि ऐसे हो रहा है, हमारा हमारा हमारे हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जमीन पहले तो सुना था कि एसीसीएल की बात, पता चला एसीसीएल ने नजूल को जमा कर दी है, ये जमीन अभी नजूल की है। मैंने डेली बात हो रही है, मैं कल भी बात हुई, बोले आज हटाएंगे, रोज मुझे सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। एसीसीएल में हेलीपैड के पीछे जो जंगल है ये एक ग्रीन एरिया रिजर्व जोन था, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर कहीं बाहरी तत्वों के द्वारा बेजा कब्जा करवाया जा रहा है। आज हमारे वार्ड के पार्षद शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में हमारे एसीसीएल 25 नंबर वार्ड के सभी नागरिक यहाँ पर एकत्रित हुए, हमारे साथ महिला कमांडो भी थी। यहाँ पे जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है रस्सी बांध बांध करके, उन रस्सियों को देखा गया कि उनको तोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने बेजा कब्जा किया है उन लोगों ने आक्रमण करने की कोशिश की, महिला कमांडो के साथ अभद्रता की, वार्ड पार्षद के साथ अभद्रता की, और स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, निगम प्रशासन, एसीसीएल प्रबंधन और वन विभाग कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। इनको केवल अपनी जेब गर्म करने के अलावा फुर्सत नहीं मिल रही है। उन सबसे अनुरोध है, ये परेशान हो रहे हैं, और कल के डेट में अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी, इसलिए अभी कुंभकर्णी नींद से जाग जाए। और वार्ड पार्षद और हमारे सभी नागरिकों ने कहा है कि अगर 3 से 4 दिनों के अंदर इसके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है तो यहाँ का जो हेलीपैड है, इस हेलीपैड पर फिर स्थानीय नागरिक जो है वार्ड पार्षद के वो कब्जा करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पसान रेंज में हाथी के हमले से पति पत्नी घायल, दोनों का पेंडा रोड अस्पताल में उपचार जारी। कटघोरा वन मंडल में लगातार हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात पसान रेंज के पोड़ी कला ग्राम पंचायत के आश्रित मोहल्ला थुहा नाला में ग्रामीण भोजन कर रात्रि में सो रहे थे, तभी हाथी मोहल्ले में आ घुसे। गांव में रहने वाले खुलसिंह और उसकी पत्नी हिरमतिया बाई उसके स्वयं की प्रधानमंत्री आवास के बाजू में कच्चे एक झोपड़ी में आग जलाकर दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उसके घर के पीछे गन्ने को हाथियों ने अपना भोजन के लिए निशाना बनाया। लगभग 3 दंतैल हाथी ने दहाड़ते हुए सबसे पहले दोनों के ऊपर हमला बोलते हुए महिला हिरमतिया बाई को हाथी ने अपने सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे उसके पैर, घुटने और अंदरूनी चोटें आई है। वहीं दूसरी और पति खुल सिंह को कनपटी बाएं पैर में गंभीर रूप से अंदरूनी चोट आई है। हाथियों ने उसके घर में लगे गन्ने की बाड़ी को तोड़कर तहस नहस कर दिया,
साथ ही दो कच्चे मकानों को भी हाथियों ने अपना निशाना बनाया है। घटना की खबर मिलते ही पसान वन विभाग के वन अफसर प्रभारी रेंजर धर्मेंद्र चौहान, वन रक्षक शारदा शर्मा, दिनेश मानिकपुरी, अन्य वनकर्मी मुनादी करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर हाथी से घायल दोनों को रेस्क्यू कर किसी तरह बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान में पहुंचाया। वाहन व्यवस्था कर इलाज के लिए तत्काल पेंडर रोड सिंटोरियम अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। दोनों को वन विभाग की ओर से सहायता राशि नगद 10,000 रुपए प्रदान की गई। विभाग की ओर से हाथी प्रभावित ग्राम में वन विभाग द्वारा लगातार मुनादी कर ग्रामीणों को गांव से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए आरिफ खान के साथ सुशील जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्री जमनी पाली जेलगांव, CSB पावर सिटी पुष्पल्लभ साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425447388818144018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रूपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रूपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पाम मॉल में संचालित ONC बार के डांस फ्लोर और DJ पर पाबंदी, लगातार विवाद के बाद SP एक्शन मोड में। TP नगर के पाम मॉल में संचालित ONC बार में लगातार हो रही घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बार के भीतर संचालित डांस फ्लोर और DJ को बंद करवा दिया है। अक्सर यह देखा जा रहा है कि युवक युवतियों के डांस करने के दौरान विवाद हो रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी कोतवाली TI निरीक्षक रामेंद्र सिंह, CSEB चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नवल साव व साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक कृष्णा साहू दल बल के साथ ONC बार पहुंचे, DJ और डांस फ्लोर को बंद करवा दिया। रात 8 बजे तक इस तरह की कार्रवाई के बाद DJ और डांस फ्लोर को बंद करा दिया गया है। लगातार हुई मारपीट की घटनाओं और पूर्व में कलेक्टर रानू साहू के द्वारा दिए गए जांच के निर्देश, इस बीच हुई फिर मारपीट की घटना के बाद इस बात के आसार बढ़ गए हैं कि ONC में डांस फ्लोर और DJ को पूरी तरह से बंद कराया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय कलेक्टर को ही लेना है। शहर की शांति और अमन चैन के लिए
माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के द्वारा इसकी अनुशंसा की जा सकती है। पहले तो ये है कि जो समय है उस पर बंद करने के लिए मैंने थाना प्रभारी को बोला है कि समय पे वो बंद होना चाहिए। दूसरा चीज वहाँ पर डीजे और जो डीजे और डांस से संबंधित है उस पर मैंने टीम भेज करके सख्ती से उसको बंद करवा दिया है। आने वाले दिनों में यही सख्ती से पूरा बंद रहेगा। साथ ही साथ उसमें जितने भी उसके पिछले केसेस थे और जो भी घटनाएं घटी थी उन घटनाओं को बेस बना करके मैंने कलेक्टर मैडम को एक पत्र भेजा हुआ है कि उस पर आगे उस पर सख्ती से एक्शन ले ताकि घटना न घटे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के करतला ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र फरसवानी में रामपुर के पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर पहुंचे। धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण के दौरान धान खरीदी में अनियमितता देखने को मिली। फड़ प्रभारी क्रांति देवांगन द्वारा बताया गया कि यहां का इलेक्ट्रॉनिक कांटा सुबह से ही खराब हो गया है, जिसे सुधरवाने के लिए भेजा गया है। इस बात की पुष्टि के लिए पूर्व विधायक ने गांव के एक दुकान से इलेक्ट्रॉनिक कांटा मंगवाया। तौल किया गया तो 42 किलो तक का धान खरीदी किया गया है, मतलब साफ जाहिर है कि समिति द्वारा झूल कांटा का प्रयोग कर किसानों की मेहनत में डाका डाला जा रहा है। पूर्व विधायक ने बताया कि धान खरीदी में गड़बड़ी की जा रही है, जिन किसानों से ज्यादा धान लिए हैं उनको धान वापस करें। यहाँ निमित्ता में जो बेचने वाले किसान आए थे उनका कहना था कि हम घर से नाप करके लाए हैं 41,300 और यहाँ इनके जो कांटा है, जो इसको क्या कहेंगे, तकरी बाट में वो जो है 40,700 उतर रहा है। तो इससे तो धोखा हो रहा है, क्योंकि वो जो लेके आ रहे हैं उससे तो सही नहीं हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि ये जिनका तखरी बाट है ये जो है सही नहीं है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाएं और कम से कम केंद्र बड़ा है 2-3 इलेक्ट्रॉनिक मशीन की व्यवस्था करें, किसान खुद देखें तौलते हुए और उसको समझें। और इसमें क्या है, इसमें जो ये टकरी बाट है इसमें जरा सा हिंट कर देते हैं, ऐसे दबा देते हैं तो 1 किलो ऐसी पार हो जाता है। तो किसान इसमें जो है भ्रमित हो रहा है, और किसानों की शिकायत है कि हमसे ज़्यादा धान जो है लिया जा रहा है और कम बताया जा रहा है। प्रभारी के द्वारा अभी बात कहाँ, प्रभारी ये तो सेल्समैन है, सेल्समैन का कहना यही है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन था उसका भी बैटरी ख़राब हो गया है, इसका मतलब है कि वो भी नहीं है, खाली जो है ये तकरी बाट से ही जो है इनका काम चल रहा है। और तकरी बाट किसानों को ये शंका का विषय बना हुआ है, इसलिए तकरी बाट को किनारे कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाएं और किसानों को तौल करके सही वेट करके धान लें, ताकि किसानों के साथ लूट ना हो। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो बाहर से मंगा करके हम तौल किए हैं तो उसमें जो है 42 किलो दिखा रहा है, 42 किलो 50, यानी सीधा सीधा जो है 1.5 किलो का उसमें अंतर हो जा रहा है एक एक कट्टी में। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो जा रहा है ना, उतने का उनका नुकसान हो रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जो भी सेल्समैन देवांगन है यहाँ, वो अपने प्रबंधक को लिखें कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमको इलेक्ट्रॉनिक मशीन दिया जाए ताकि सही नाप तौल हो सके। अब किसान क्या है, तौल पर भी लाते हैं और हम लोगों को तो वेट लेना है 40 किलो 600 ग्राम 700 ग्राम और हम लोग उतना ही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक काटा मेरा बैटरी ख़राब हो गया था, अपना जो सोसाइटी का इलेक्ट्रॉनिक काटा था उसका बैटरी ख़राब है। ये लोग निरीक्षण के दौरान आए विधायक महोदय तो बाहर से इलेक्ट्रॉनिक काटा मंगा कर तौल कर आए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। कोरबा के दूरस्थ वनांचल ग्राम कोरबी क्षेत्र में सुबह 9 बजे तक छाया कोहरा, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज, आसमान साफ होने के बाद अब ठंड बढ़ गई है। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के कोरबी क्षेत्र में सुबह 9 बजे तक कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी भी 50 मीटर से कम रही, सड़क पर वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, इसके बाद ठंड में कमी आएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए सुशील जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT is the new MPEG 4 box जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर,
हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब ऐसे स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्रे जमनी पाली जेलगांव, CSB पावर सिटी पुष्पल्लभ साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। बाकी मोहरा में चोरों को महज 3 घंटे के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल प्रार्थी सुरेश कुमार उपाध्याय द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि शासकीय हाई स्कूल बाकी साइड के स्कूल में रखे साउंड सिस्टम कीमती ₹19,000 को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है। इस रिपोर्ट पर बाकी मोहरा थाना पुलिस द्वारा महज 3 घंटे में चोरों को पता तलाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में आनंद रामेश्वर चौहान राम सिंह गोड़ को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया, जिनके कब्जे से चोरी की गई साउंड सिस्टम को जब्त किया गया। आरोपियों को रिमांड पर लेकर न्यायालय पेश किया गया। हमारे यहाँ शासकीय हाई स्कूल बाकी साइड का साउंड सिस्टम चोरी हो गया था 28 के रात को, उसी का रिपोर्ट लिखाने आए थे और वो बरामद भी हो गया, चोर भी पकड़ा गया। सुरेश कुमार उपाध्याय जो शासकीय हाई स्कूल बाकी साइड का प्राचार्य है, उन्होंने आज थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनके जो स्कूल में सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए साउंड सिस्टम था, उनको दिनांक 28/12/2021 को दरगाही अदालत में कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करके ले गए हैं, जिन्होंने यहाँ सूचना आज दिए। पहले उन्होंने अपने से पता तलाश किए, आज आए, जैसे ही आए तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद महज 3 घंटे में आरोपी और जो चोरी गए हुए साउंड सिस्टम को बरामद कर लिया गया है और दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।